प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ दधानाकरपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डुलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ॐ माँ दुर्गा के नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा यह भी जाता है कि वेदस्तत्वं तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएँ हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, तब ये नारद के उपदेश में भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या करने लगी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष इन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपश्चर्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्र को खाकर यह अहर्निश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद इन्होंने सूखे बेलपत्र को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक यह निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्ते अर्थात पर्ण को भी न खाने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखित हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज़ दी, ऊ माँ, अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, शुद्धगण, मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताते हुए उनकी महिमा की सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी घोर तपस्या नहीं की। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चतुर्दिक सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ दुर्गा जी का यह स्वरूप भक्तों एवं सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ नमश्चण्डिकायै।